नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और मैं आपको सुना रहा हूं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में शामिल हमारे भारतीय एथलीट्स की वो कहानियां जो उनके कद को हमारे सामने और भी ऊंचा कर देती है। ये कहानी है इंडिया की हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल बॉक्सर की, जो वर्ल्ड नंबर 4 भी है इन 69 केजी कैटेगरी। इनके पिताजी टी गार्डन में काम करते थे। आर्थिक हालत घर की बिल्कुल भी सही नहीं थी। 8 साल पहले तक इस खिलाड़ी को बॉक्सिंग का भी तक नहीं पता था। पर कहते हैं ना कि पहाड़ के लोग जब दहाड़ते हैं तो उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक जाती है। जिसने पैसे नहीं होने के कारण कभी ट्रेन के टॉयलेट के बाहर बैठकर सफर किया, आज उसने टोक्यो तक का सफर पूरा किया है सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। फाइट के लिए उसके पास ग्लव्स नहीं थे अपने, वो ट्रेनिंग ग्लव्स से फाइट करती और मैच के बाद उनको वापस कर देती अपने सेंटर को। अपनी स्ट्रगल को अपनी ढाल बनाई इस खिलाड़ी ने और शुरू किया देखना एक सपना, सपना अपने देश के लिए खेलना और उन सब के लिए मिसाल बन जाना जिनका विश्वास है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2017 में इनकी किस्मत बदली और नेशनल स्टेज पर रिकग्निशन मिली एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इस ओलंपिक्स में भी इस खिलाड़ी का हर पंच अपनी स्ट्रगल की कहानी बयां कर चुका है और हर एक पर वो पंच बहुत भारी पड़ा। नाम लवलीना बोरगोहाइन, उम्र 23 साल, पैशन गेम से प्रेम।